उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और आप सोच में भी पड़ जाओगे कि भला ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि जनाब मामला ही कुछ ऐसा है। खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वरिष्ठ वकील डॉक्टर अशोक निगम को 1 रुपए देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से ये टोकन अमाउंट दिया गया है। क्यों, चौंक गए ना टोकन अमाउंट सुनकर, वो भी मात्र 1 रुपए और वरिष्ठ वकील को। तो वहीं इसका मामला बताएं तो कोर्ट ने 2004 में वकीलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस के लाठी चार्ज के मामले में आदेश दिया है। इस मामले में डॉक्टर निगम ने 2007 में हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और मांग की थी कि घायल वकीलों को राहत राशि मिले और उस राशि के तौर पर कोर्ट ने वकील को 1 रुपए देने का सरकार को आदेश दिया है। लेकिन ये 1 रुपया क्यों दिया जा रहा है, आइए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से ये टोकन अमाउंट दिया जाएगा। अदालत ने 2004 में वकीलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस के लाठी चार्ज के मामले में यह आदेश दिया है। इस मामले में डॉक्टर निगम ने 2007 में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये मांग की थी कि घायल वकीलों को राहत राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा वकीलों की पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना में अधिवक्ता अशोक निगम खुद भी घायल हुए थे। अब सुनिए जब इस मामले में सुनवाई हुई तो क्या हुआ। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने वकील से खुद ही पूछ लिया कि आखिर इसमें आप क्या क्षतिपूर्ति चाहते हैं। इस पर अशोक निगम ने कहा कि आप जो भी आदेश देंगे मैं वो स्वीकार कर लूंगा। इसकी वजह यह है कि मामला नुकसान या फायदे का नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ा है। इस पर जजों ने 1 रुपया देने का आदेश पारित कर दिया और इसके अनुसार राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक निगम को 1 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, क्योंकि इसमें मामला अब लड़ाई का नहीं था बल्कि मामला सम्मान का बन चुका था। जिसके बाद बेंच ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टर अशोक निगम की वरिष्ठता और उनके सम्मान को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि सरकार 1 रुपए उन्हें बतौर सम्मान के तौर पर दे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अशोक निगम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इतना ही नहीं एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और लखनऊ बेंच में मशहूर वकील हैं। इस मामले में पूर्व जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी गठित किया गया था। हालांकि समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि इस केस को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये पुराना मामला है और अब इस केस को चलाए रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। हालांकि जब बीते दिनों वकील ने खुद ही इस केस को बंद करने की सहमति जताई उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।